राहुल गांधी जो कहा वहाँ पर कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और 50% जो आरक्षण का टैग है ना उसको बढ़ाएंगे आगे। भाई साहब, जाति जनगणना अगर राहुल गांधी ये कहते हैं आर्थिक तौर पे आरक्षण देंगे, आर्थिक तौर पे आरक्षण देते, गरीब है, समण में भी गरीब है, तो वो नहीं करेंगे बात। ये अपने फायदे की राजनीति, इसीलिए तो इनकी दाल गल नहीं रही है। इतनी बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के तलवे चाट रही है। भाई कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा, क्षेत्र में मार के भगा दिया उसने सब, सपा ने यूपी से। कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी से जा रही, कहते रहे, अब तो जो मर्जी कहें कुछ होने वाला तो है ही नहीं। बम बम करते रहे, गाते रहे, उन्हें पता है कहीं किसी स्टेट में सरकार नहीं आते। 10 सीट पर चुनाव होने वाला है, यूपी से योगी जी 9 सीट पर क्यों चुनाव करवा रहे हैं, 10 सीट पर क्यों न करा रहे हैं? कहां से राम मंदिर उठी है, हाँ? कि हुई इनको डर हो गई है कि राम मंदिर के बांटने का काम हो गई है तो हुआ वोट। जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास न देने का मन है और न दूंगा। मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ कि भैया ऐसा है, उपचुनाव है, और रही बात योगी जी अब देश के धरोहर हैं, प्रदेश के नहीं रह गए, यूपी के नहीं रह गए, गोरखपुर तक सीमित नहीं है, वो विदेशों में भी उनका डंका है। तो योगी जी वो नेता हैं, एक बयान दे देते हैं जो इन लोगों को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों का समझ ही नहीं आ रहा कहें क्या। आप यूपी से हैं, गोरखपुर 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, गोरखपुर क्या होने वाले रिजल्ट? अरे भाई साहब क्लियर है, क्योंकि एक बार इन्होंने ठग लिया खटाखट के चक्कर में फॉर्म भरवा के, वो जनता ठग गई, उसमें बट के दे दिया वोट जातिवाद के नाम पे और संविधान के नाम पे। हर बार वो चूरन और चाशनी चलने वाली नहीं, और ये दोबारा वो चाशनी बिकेगी नहीं, इसलिए इनको भी समझ आ गया, इसलिए कुछ बयान ही नहीं आ पा रहे हैं। रायता फैल रहा है और ये रायता इनके खुद के नेता फैला रहे हैं, चाहे ये सफाई हो चाहे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मंत्री से लेकर संतरी तक सबको निकाला हुआ है, हाँ जी। फील्ड में डर है इनको कि 27 में कहीं ना बुरा ना हो जाए। जहाँ दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई, एक नारा और दे दिया किसी ने, ये घबरा गए, उसका कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। भाई साहब ट्वीट के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं पे ग्राउंड पे ये लोग जा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भैया भगवान भरोसे राजनीति खेल लो, दुकान थोड़ी बहुत चलती रहनी चाहिए। सुनिए ये नारे ऐसे क्यों आते हैं, कटेंगे बटेंगे, बहराइच मामला आ गया, मामलों के ऊपर ही वोट मांगना। मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि भैया हार्ड लाइन अब बीजेपी ने पकड़ा है और पकड़ना चाहिए था इसे पहले। अगर भाई साहब तुम एक समुदाय को लेके 60 साल से राजनीति चला रहे हो, तो अगर उसने 10 सालों में यह सीखा है कि एक समुदाय को जो मर्जी दे दूं वो हमें कुछ नहीं देने वाला, तो हम कम से कम अपने लोगों को जो बिखरे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे कर लो, और उसकी राजनीति ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए अपने घर को इकट्ठा करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई साहब ये सबका साथ सबका विकास का नारा क्यों? भाई साहब दिया ना 10 साल, दिया भी सबको भरपूर दिया। आप बताओ ना 535 लोग घर को दिया, वोट एक नहीं दिया। तो एक बात बताओ, बीजेपी भी तो हाई, वो भी तो इंसान ही है नेता, वो भी देख रहे हैं एक समुदाय को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भैया इनके इनके उसमें वो गिर के एक ही को देना है वोट, तो वो भाई अब हार्ड लाइन पकड़ रहे हैं तो बढ़िया है। अब ये राजनीति, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि बीजेपी को काउंटर करना चाहिए, ये लोकसभा में बोल गए हिंदू हिंसक है, अगर बीजेपी के 240 सांसद घेर लेते और इनसे माफ़ी मंगवाते तब मजा आता, लेकिन उस समय नहीं जागे, लेकिन अब जाग रहे हैं लोग, जागना चाहिए। जिस तरीके से लोकसभा में एक झटका लगा बीजेपी को, अगर 9 विधानसभा सीटों में अगर ना चुनाव हो रहे हैं और वहाँ झटका लगता है तो 27 के मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब 3 टर्म है, पहले में देखो पहले ऐसे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी हैं जो 3री बार भी जनता लेके आई, एक बार में उब जाते हैं भाई साहब, एक बार में सरकारें उठा के फेंक देती हैं। आप देख लो राजस्थान में कांग्रेस को 5 साल में फेंक देते हैं, हर जगह 5 साल में लोग उब जाते हैं, लेकिन अगर 3 बार ला रहे हैं तो यानी लोगों की संवेदनाएँ हैं और उन्हें पता है कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ये परिवार के लिए तो कुछ कर नहीं रहा है, इसे देश की पड़ी है और वही योगी है वही मोदी है, तो इसलिए जो है मजा आ रहा है जनता को। अब जनता समझने लगी है कि कोई हित में अगर काम कर रहा है तो यही सरकार कर रही है, बाकी तो ये अपनी दुकान बचा रहे हैं। इनका एजेंडा बता दो ना, इनका एजेंडा एक ही है, सारे मिलके मोदी को हरा दे, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, हराना है बस। तो जब तुम अगर रोड मैप क्लियर नहीं है तो जनता तुम्हें वही देंगे जो गुमराह है लोग। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतने युवा है, मुद्दे तो होंगे उनके वहाँ पे। 25,000 की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है, मेरे मुंह से निकल, 25 करोड़ की आबादी है भाई, उसमें 3 देशों की आबादी मिला दो तो एक प्रदेश बन रहा हो, 3 देश होंगे, 4 देश भी कह सकते हो, तो इतनी आबादी को वो चला रहे हैं योगी बाबा, और 8-9 साल से मजबूती से जमे हुए हैं, 8-9 साल से, तो भैया बाबा को लोग चाह रहे हैं, वहाँ की जनता ला रही है,
तो लोकसभा में अगर दो चार सीटें झूठ बोल के ले गए फालतू तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। अगर तुम यदुवंशी के वंशज हो तो मथुरा में भी कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे सपने में किसी भगवान आते हैं तो भैया आते हैं तो उनके लिए कुछ करके तो दिखाओ, जनता को दिखा दो कि भैया हम भी थोड़े सनातनी हैं। भैया सनातनी इस देश की 90 करोड़ आबादी है। कहते हैं ना जातिवाद का जहर नहीं घोलते सनातन की लाठी पे, तो मुट्ठी भर नहीं नहाते 100 करोड़ की छाती पर, तो वही चीज़ है मुट्ठी भर। एक बात बताओ 90 करोड़ और 20 करोड़ या 25 करोड़ ज़्यादा होते हैं या 90 करोड़? 90 करोड़ आज तक उसको प्रताड़ित करते रहे सारे नेता, उसके खिलाफ ही बयान देते रहे। बताइए कटेंगे बटेंगे और बहराइच मामले पर वोट मिलेंगे? ऐसा है, ये नारा पूरे भारत में चल रहा है, यहाँ तक कि बाहर भी चला गया है। और ट्रंप सरकार भी हिंदुओं को ही कह के आ रही है आई लव हिंदू हिंदुस्तान। तो ट्रंप सरकार अगर वो अमेरिका सबका दादा बनता है वो कहने लगा है तो अब छोटे देश को तो गिनती में नहीं ले रहे। नहीं तो दुबई और एक खाड़ी देश मुंह नहीं लगाते थे, कहते अरे भुगमंगा देश है, भिखारी देश है। वही दुबई तो उसको दाऊद को भगाता है और उसकी संपत्ति जब्त कर लेता है। ये पावर है। आज प्रचंड जो हेलीकॉप्टर हैं लड़ाकू DRDO बना के अपने सेना को गिफ्ट दे रही है, ये वही देश है जो बनाने लगा, जो सामान ये भीख मांगते थे, तलवे चाटते थे, बिचौलिया उसमें कमीशन खाते थे, आज वो सारा जो है इस देश में ही हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ मोबाइल का नंबर एक का, हैं दूसरे नंबर पे रोड बन गया और GDP नंबर वन पे चल रही है। भैया सब कुछ बम बम है तो किस बात की डर है? भैया वही सरकार काम करेगी जो कर रही है, और करेगी अच्छा तो करती रहेगी, चलती रहेगी, ये नहीं आएंगे। धन्यवाद आप।